सेशन आप देख रहे हैं फन वी टेक्नो चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूं Realme 5 Pro। तो गाइस फाइनली मेरे पास में यहां पे आ चुका है रिव्यू यूनिट Realme 5 Pro का, एंड गाइस मेरे पास में एक और फोन आ चुका है Realme 5। तो गाइस फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ अनबॉक्स करने वाले हैं Realme 5 Pro की। गाइस जो Realme 5 की अनबॉक्सिंग आएगी वो आएगी 2 दिन बाद इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आप लोग के लिए एक सरप्राइज होने वाला है बहुत ही कमाल का। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं Realme 5 Pro का अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो गाइस चलते हैं सीधे मेरे अनबॉक्सिंग टेबल पर, वहां पे रखा हुआ Realme 5 Pro, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सारी डिटेल्स इसी फोन की, इसी फोन से रिलेटेड। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग। सो मेरे हाथ में ये Realme 5 Pro का बॉक्स जो कि बहुत ही कमाल के डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पे आपको पीछे की साइड मेंशन है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, ये वेरिएंट वाला है। एंड उसके बाद इसमें आपको क्लियरली डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। नीचे फिर आपको कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई है, लेकिन गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है वो कट किया गया है क्योंकि भाई ये रिव्यू यूनिट है। फिर आगे एक साइड आपको यहाँ पे क्लियर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही क्लासी लुक देता है इसी बॉक्स को। फिर हम जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर मैं वन बाय वन करके आपको इस फोन की सारी डिटेल्स बता देता हूँ। ऊपर की साइड खोल देते हैं, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट दिखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है हे वेलकम टू Realme फैमिली, एंड मेनली ये हर फोन में लिखा होता है। फिर अगर हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक सिलिकन का केस जो कि मेनली नए फोन के लिए यूज में होता है। एंड साथ में आपको यहाँ पे दो पेपर भी देखने को मिल जाते हैं जो कि है एक वारंटी कार्ड और एक यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड Realme का। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं इस फोन को, तो भाई ये बहुत ही कमाल का फोन है, बहुत ही ज्यादा ही क्लियर डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंड यार इसका जो क्वाड कैमरा सेंसर वो बहुत ही कमाल के इसको रखते हैं साइड में। फिर यहाँ पे आपको वो 3.0 का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि एक फास्ट चार्जर है एंड बहुत ही ज़्यादा तेज वर्क करता है एंड सपोर्ट करता है 18 वोल्ट्स की चार्जिंग आउटपुट जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करता है इस फोन के लिए। एंड टाइप सी केबल भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगी क्योंकि गाइज ये एक फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, तो टाइप सी केबल भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। एंड एक कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने टाइप सी केबल प्रोवाइड किया है विद इन 15,000 के अंदर। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेनली इस फोन की, तो पीछे की साइड आपको यहाँ पे क्लियर कट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है एंड क्रिस्टल क्लियर लुक देखने को मिल जाता है जिसके साथ 4 कैमरा एंड प्लस 1 फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड नीचे की साइड आपको वर्टिकली Realme लिखा हुआ दिख जाता है जो कि एक क्लासी डिज़ाइन देता है इसी Realme 5 Pro को। बात करते हैं इस फोन के हम लोग फिजिकल ओवरव्यू की, तो सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिल जाता है 4 क्वाड कैमरा एंड पीछे की साइड आपको यहाँ पर डायमंड का डिजाइन देखने को मिल जाता है विद फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड नीचे की साइड आपको Realme वर्टिकली में लिखा हुआ दिख जाएगा इसी फोन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 कैमरा सेंसर तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको SD कार्ड और 2 नैनो सिम का स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑडियो सेंसर देखने को मिल जाता है। फिर नीचे की साइड आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल USB टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm जैक का आपको हेडसेट जैक देखने को मिल जाता है। फिर फ्रंट की साइड आपको एक क्लासी लुक देखने को मिल जाता है इसी फोन का। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के हार्डवेयर सेटिंग्स की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रंट की साइड देखने को मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जिसके साथ में है गोरिल्ला ग्लास 3 की कोटिंग एंड साथ में ये आता है स्प्लैश रेजिस्टेंट डिज़ाइन के साथ। मतलब अगर आप इस फोन के ऊपर वाटर भी डालते हैं तो ये वाटर रेजिस्टेंस फ़ोन है, अगर इसके ऊपर आप पानी भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस फोन को। फोन के पीछे की साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 4 क्वाड कैमरा सेंसर जो कि है पहला 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। उसके बाद तीसरा कैमरा जो है वो है 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा माइक्रो कैमरा। यहाँ पे फिर एक और कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस कैमरा। उसके बाद यहाँ पे अगर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 712 जो कि आता है 10 नैनोमीटर के साथ जो कि बहुत ही कमाल का एंड बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है इसके फोन के अंदर। फिर अगर इसके अंदर आप लोग गेमिंग करते हैं खासकर PUBG तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलने वाला है गेम्स एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करता है, मैंने स्पेशली इसके अंदर खेल के देखा है। फोन आपको यहाँ पे 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा जो कि पहला वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज एंड जो तीसरा वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो मेरे पास में इस वक्त है। फिर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 4035mAh की बैटरी जो कि वोक 3.0 के ऊपर चार्ज होती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए कुछ जल्दी से वीडियो को जाकर लाइक कर दो एंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड गाइस बात करते हैं अगर हम लोग इस फोन की, तो बहुत ही कमाल का फोन निकल चुका है Realme 5 Pro एंड Realme 5 भी निकल चुका है जिसकी वीडियो आने वाली है 2 दिन बाद मेरे चैनल पे, तो जब बेल आइकन दबा देना अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को। एंड गाइस इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस फोन की, तो क्वाड कैमरा सेंसर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि सेटअप करते हैं। एंड अगर सारे कैमरास को प्लस कर देते हैं तो ओवरऑल 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करते हैं तो बहुत ही कमाल का
712 आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 712 जो कि आता है 10 nm यानी कि 10 nanometer के साथ, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा है बैटरी लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस फोन। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं गिव अवे की, तो गाइस गिव अवे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक, सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है। एंड गाइस एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, आपको अपना जो भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वो ऑन कर देना है, क्योंकि गाइस जो विनर होगा मैं उसके चैनल की आईडी पर जाके देखूंगा, जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट होगी मैं उसको ऑन करके देखूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब है या नहीं है, तो इससे पता चल जाएगा कि उसने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं कि नहीं, तो वही विनर बन पाएगा। तो वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंड एक और चीज करनी है, आपको किसी भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली आप चाहे तो WhatsApp पे कर सकते हैं, WhatsApp पे अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को एंड और लोग को बताएं कि कैसी होगी ये वीडियो। एंड बहुत ही कमाल का सरप्राइज है आप लोग के लिए, अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे सरप्राइज आने बाकी हैं आप लोग के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड एट दी एंड कोई भी आपको दो फीचर कमेंट करना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीचे। एंड गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी प्राइसिंग होने वाली है इस फोन की, मैं आपको यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे, मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा सारी प्राइसिंग Realme 5 Pro की। वैसे तो बहुत ही कमाल के प्राइसिंग के साथ आता है ये फोन। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं मेरे साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।